तो प्रकाश वेलकम बैक टू माई चैनल। तो फाइनली गाइज आप लोग सबके इंतजार खत्म हो चुका है। तो बहुत दिन से सब स्टूडेंट लोग कमेंट भी कर रहे थे कि वीडियो लेके आइए। तो फाइनली गाइज आप लोग बीआईडी सिंध्र के ऊपर वीडियो आ चुका है, इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग पूरे स्टार्टिंग से एंड तक, कट ऑफ से लेके प्लेसमेंट से लेके पूरा अच्छे से कॉलेज फेस्ट स्पोर्ट्स फेस्ट सारा चीज़ हम अच्छे से डिस्कस करेंगे पूरे बीआईडी सिंध्र के ऊपर। तो कुछ आपको डाउट होगा नहीं अगर आप लोग पूरा वीडियो देख लेते हैं, तो पूरे वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, सारा चीज़ आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। तभी भी अगर आप लोग कुछ भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, सारा चीज़ आपको डाउट क्लियर कर देंगे। और ऐसे भी बीआईडी सिंध्र के ऊपर हम बहुत सारे पहले से वीडियो बना चुके अपने चैनल पर, अगर आप लोग स्क्रॉल करेंगे तो आप लोगों को सारा चीज़ पता चलेगा दिखेगा। और उसमें हम जेसीबी काउंसलिंग से लेकर सारा चीज़ जोसा काउंसलिंग के सारा चीज़ हम अच्छा डिटेल वीडियो बना चुके रख चुके हैं। तो अगर आप लोग अभी भी जाके देखना है तो अगर आप देख सकते हैं। बाकी इस साल का आप लेटेस्ट वीडियो तो सब चैनल पर आएगा ही, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बेल को नोटिफिकेशन बेल को ऑन आइकन को अपना क्लिक करके रख लीजिए कि आप लोग कुछ भी अगर नोटिफिकेशन आता है तो आप लोग मिस ना हो, ठीक है। और आगे आप टेलीग्राम ग्रुप भी मेरा बना, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट पहले से जुड़े हुए हैं। अगर आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में आना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहाँ से ज्वाइन हो जाएगा। वहाँ पर जितना भी कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन होता है या फिर कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस आता है तो वहाँ पे हम शेयर करते हैं। तो अगर आप लोग कुछ नेट नोटिफिकेशन अगर जानना होगा तो कुछ आपको मिस होगा नहीं अगर आप लोग उसमें जुड़े रहेंगे। तो आप लोग वहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिंक क्लिक करके जल्दी टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग जुड़ जाएगा, ठीक है। और आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ बीआईटी सिंधरी, तो अगर आप लोगों को सारा चीज़ हम हॉनेस्ट रिव्यू देंगे, आप लोग कुछ गलत चीज़ आपको शेयर करेंगे नहीं, ठीक है। चलिए शुरू करते वीडियो को पूरा बिना देर करते हुए। बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंधरी धनबाद, जो कि हम लोग कॉमनली नेम जानते हैं आपका बीआईटी सिंधरी धनबाद से। और आपका बीआईटी सिंधरी धनबाद जो आपका स्टैब्लिश हुआ था 1949 में, और देख सकते हैं कितना पुराना कॉलेज आपका, जब हम लोग कंस्टिट्यूशन लागू हुए तब से आपका कॉलेज यहाँ पे बना हुआ है। प्लस आप लोगों का अगर कैंपस के बारे में बात करें तो कैंपस एरिया आपका 500+ एकर्स में लस ग्रीन कैंपस देखने को मिलेगा। फिर आपका कॉलेज हॉस्टल फैसिलिटीज़ की बात करें तो हॉस्टल फैसिलिटीज आपका सेपरेट हॉस्टल देखने को मिलेगा आप लोगों का। फर्स्ट ईयर के लिए अलग हॉस्टल प्रोवाइड किया जाएगा, सेकंड ईयर के लिए अलग हॉस्टल, थर्ड ईयर के लिए अलग हॉस्टल और फाइनल ईयर के लिए अलग हॉस्टल। तो सारे हॉस्टल्स में अलग अलग आपको हॉस्टल देखने को मिलेगा, कोई मिक्स आप लोगों के लिए रहेगा नहीं, तो आप लोगों को रैगिंग होने का संभावना बहुत ही कम होगा, ठीक है। प्लस आप लोग अगर हम लोग बात करते हैं अगर लैब्स के बारे में, तो यहाँ पे टोटल आपका बीआईटी सिंध में टोटल 10 ब्रांचेस है यहाँ पे, ठीक है। तो डिफरेंट टोटल 10 ब्रांचेस के लिए अलग अलग बिल्डिंग्स बना हुआ है, जैसे आपका सीएसआईटी के लिए अलग बिल्डिंग है, आपका मैकेनिकल के अलग बिल्डिंग है, आपका इलेक्ट्रिकल के लिए अलग बिल्डिंग है, ऐसे आपका सिविल के अलग बिल्डिंग है। सारे ब्रांचेस के लिए अलग अलग बिल्डिंग्स है, वहाँ पर अलग अलग लैब्स सब प्रोवाइड किए गए हैं। तो कुछ भी अगर आप लोगों को एक्सपेरिमेंट करना होगा या लैब्स होगा कुछ भी होगा, रेस्पेक्टिव ब्रांचेस में जाकर वहाँ पर अपना लैब परफॉर्म कर सकते हैं, अपना लेक्चर हॉल सारा चीज़ आपका वहाँ पर जाकर परफॉर्म होता है, ठीक है। तो सब चीज़ आपको बता दिए, आपका जो भी आपका लैब्स होता है जाए सारा चीज़। प्लस आप लोग बात करते हैं तो दो तीन लैबोरेटरीज है आपका बीआईटी सिंध में, जैसे आपका मैकेनिकल लैबोरेटरीज, इलेक्ट्रिकल लैबोरेटरीज। तो कुछ भी अगर रिसर्चेस होता है या फिर कुछ भी एक्सपेरिमेंट होता है तो आप अपना रिस्पेक्टिव ब्रांचेस में जाकर आप अपना लैबोरेटरीज में अपना लैब परफॉर्म कर सकते हैं, कुछ भी एक्सपेरिमेंट होगा तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। प्लस आगे आपको बताते हैं यहाँ पे आपका वर्कशॉप लैब्स है आपका, जब लोग फर्स्ट ईयर में जब आएंगे ना, अभी आप लोग कुछ एक्साइटमेंट हो रहा होगा, ठीक है। तो आप लोग जब फर्स्ट ईयर में आएंगे तो फर्स्ट ईयर में आप लोग सेकंड सेमेस्टर में आपका आता है एक वर्कशॉप सब्जेक्ट, ठीक है। तो वर्कशॉप सब्जेक्ट में आपको जाके आपको लैब परफॉर्म करना पड़ता है। तो वर्कशॉप में आपका 3-4 लैब होता है, जैसे आपका स्मृति हो गया, कारपेंट्री हो गया, इस टाइप का आपका लैब रहता है। हर वीक आपको अलग अलग लैब में जाकर अपना लैब परफॉर्म करना पड़ता है, तो बहुत ही मज़ा आता है, एक टाइप का अलग ही आपको देखने को मिलेगा, कुछ अलग ही फील आएगा। सेकंड चलिए आप लोग डिस्कस करते हैं एजुकेशन फैसिलिटीज एंड कॉलेज फैसिलिटीज के बारे में। एजुकेशन फैसिलिटीज ऑफ बीआईटी सिंध में बात करते हैं तो यहाँ पे जो फैकल्टीज मेंबर देखने को मिलेंगे वो मोस्टली आपको प्रोफेसर देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि जो बीआईटी सिंध जो आपका है वो आपका गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है। तो गवर्नमेंट कॉलेज में आपका जो टीचर्स लोग भी होते हैं आपके हाईली एजुकेशन क्वालिफाइड टीचर्स रहेंगे, ठीक है। तो जो टीचर्स रहते हैं आपका गेट क्वालिफाइड रहते हैं या फिर आपका प्रोफेसर रहते हैं, पीएचडी टीचर्स रहते हैं या फिर आपका आईटीएन टीचर रहते हैं, ये सब टीचर आपको रहेंगे। तो कोई आपको पढ़ाई में दिक्कत होने वाला नहीं, लेकिन आपको ट्रूथ ये भी है कि आपको जो भी आप लोग इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं और इंजीनियरिंग कॉलेज में सारा चीज़ पढ़ाई आपको खुद से ही करना पड़ता है, ठीक है। ये रियलिटी है, आप लोग अगर फर्स्ट ईयर में आएंगे तो आप लोग खुद से फेस करेंगे, लेकिन अभी आपको एक्सपीरियंस बता दिए क्योंकि हम फेस कर चुके हैं, ठीक है। तो अपना एक्सपीरियंस आपको बता दिए, ठीक है। तो चीज़ हो गया। फिर आपको अगर आगे बताते तो आपको जो फर्स्ट ईयर में जब आप लोग आएंगे तो फर्स्ट ईयर में अभी आईटी सिंधरी में एक लेक्चर हॉल है। अगर आप लोग कैंपस टूर देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि लेक्चर हॉल कैसा रहता है, ठीक है। तो वहाँ पे लेक्चर हॉल में आपको फर्स्ट ईयर में जितना स्टूडेंट होंगे सारे अदर पूरे टोटल ब्रांचेस के जितने स्टूडेंट होंगे, सारा स्टूडेंट का जितना भी लेक्चर होता है सारा चीज़ आपका लेक्चर हॉल में ही कंडक्ट होता है। बाकी आपको लैब रहेगा, लैब आपको अलग अलग लैब रिस्पेक्टिव ब्रांचेज में आके अपना कई आप लोग परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन आपका जितना भी लेक्चर्स होता है आपका लेक्चर हॉल में ही कंडक्ट होगा। लेकिन आप लोग जब सेकंड ईयर में जाएंगे या थर्ड ईयर फोर्थ ईयर तक, वहाँ सारे सेकंड ईयर से फाइनल ईयर तक सारा चीज़ आपका जितना भी आपका लैब होगा या फिर लेक्चर हॉल होगा, लेक्चर हॉल से लेकर सारा चीज़ आपका जितना भी कंडक्ट होगा सारा चीज़ आपका अपना रिस्पेक्टिव ब्रांचेस में कंडक्ट होगा। मतलब फॉर एग्जांपल आपको बता, जैसे आपका अगर आप लोग आईटी के स्टूडेंट है तो सारा चीज़ आपका लेक्चर से लेकर आपका लैब से लेकर सारा चीज़ आपका आईटी बिल्डिंग में ही परफॉर्म होगा। अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट है तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच के सारे स्टूडेंट आपका जितना भी लेक्चर होगा या फिर आपका जितना भी लैब्स होगा सारा आपका इलेक्ट्रिकल बिल्डिंग में ही परफॉर्म होगा। तो इस टाइप से फिर आपका बढ़ जाता है, अलग अलग ब्रांचेस में बढ़ जाते हैं सेकंड ईयर के सारे स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन फर्स्ट ईयर में सारा चीज़ आपका एक ही जगह होगा जो कि आपका लेक्चर हॉल में होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको चलिए बताते हैं आपको स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ एंड कल्चर फेस्ट के बारे में।
तो इस पोस्ट फेस्ट में आपका सारा, जैसे आप लोग यहाँ पे इंटर ब्रांचेस होता है आपका, इंटर ब्रांच फुटबॉल होता है, इंटर ब्रांच आपका क्रिकेट मैच होता है, प्लस आप लोग यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग NITs या फिर IIT या फिर आपका BIT मिश्रा, ये सब अलग अलग आपका स्पोर्ट्स फेस्ट ऑर्गेनाइज करता है। तो BIT सिंधरी के स्टूडेंट वहाँ पे जाके अपना परफॉर्म करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट लोग वहाँ पे जीत के भी आ चुके हैं, ठीक है। जैसे प्रीवियस ईयर ही आपका IIT धनबाद में गए थे और वहाँ से वॉलीबॉल जीत के आए थे अपने BIT सिंधरी के जो स्टूडेंट थे, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग परफॉर्म वहाँ पे जाके कर सकते हैं, प्लस यहाँ पे इंटर ब्रांच फुटबॉल मैच, वॉलीबॉल मैच, क्रिकेट मैच, ये सब भी यहाँ पे होता है। तो इस टाइप से वहाँ पे जाके अपना पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। और डिफरेंट दो ग्राउंड आपको पहले बता चुके कि दो ग्राउंड भी आपका है यहाँ पे, CG ग्राउंड है, कूपी ग्राउंड, तो कुछ भी आपको यहाँ कुछ भी दिक्कत होने वाला नहीं है, मस्त अपने अपने खेलने का अच्छा सुविधा दिया गया है। प्लस आपको आगे चलिए बताते हैं यहाँ पे कल्चर फेस्ट के बारे में। तो कल्चर फेस्ट में आप यहाँ पे BIT सिंधरी कुछ फेस्ट ऑर्गेनाइज नहीं करता है, मेनली सब सारा चीज़ यहाँ पे आपका होता है क्लब्स एंड सोसाइटी के द्वारा। और आपको क्लब्स एंड सोसाइटी क्या होता है चलिए आपको बता देते हैं। तो क्लब्स एंड सोसाइटी टोटल आपका यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आपको नेम लिस्ट आपको दिखा देते हैं। टोटल आपका क्लब्स है यहाँ पे BIT सिंधरी के, और यहाँ पे आपका टोटल सोसाइटीज़ है BIT सिंधरी के। तो इस टाइप टोटल आपका क्लब्स एंड सोसाइटीज़ में डिवाइड है, ठीक है। और जो भी आप लोग जब फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट आप लोग आएंगे तो इस टाइप में आप लोग यहाँ पे इंडक्ट होते हैं, ठीक है। जिस टाइप और जिसमें आपको इंटरेस्ट होगा, जैसे आप लोग टेक्निकल में इंटरेस्ट होगा तो टेक्निकल क्लास में जाकर आप इंडक्ट हो सकते हैं। अगर आप लोग कुछ आपको ऑर्गेनाइजेशन करना होगा या फिर आप लोग किसी को हेल्प करना होगा तो आप लोग किसी आप NGO में या ऑर्गेनाइजेशन में जाकर आप जुड़ सकते हैं और वहाँ पर आप लोग दूसरा को हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से जितना जिसको भी जिसमें आपको इंडक्ट होने का मन होगा उसमें इंडक्ट हो सकते हैं, फिर अपना आगे उस टाइप से जुड़ गए तो उसके आगे जो भी आपका परफॉर्मेंस होता है, इवेंट ऑर्गेनाइज होता है या फिर फेस्ट ऑर्गेनाइज होता है, उस हिसाब से आप वहाँ पर जाकर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। प्लस आप लोगों का कम्युनिकेशन स्किल भी आपको इंप्रूव होगा, प्लस पर्सनलिटी डेवलपमेंट भी इंक्रीज होगा। तो ये सब चीज़ सारा चीज़ अपना क्लास में सोसाइटी में इंडक्ट होकर आप चीज़ अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस नेक्स्ट चलिए आपको बता दें डिस्कस करते हैं कट ऑफ्स के बारे में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप परसेंटाइल वाइज आपको कट ऑफ्स डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए पार्ट को मिस मत कीजिएगा, ध्यान सुनिएगा। और इसके लिए आप लोगों को चलिए आप लोगों को अपना कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर चलते हैं। अभी हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर अगर आप लोग स्क्रीन दिख रहा होगा, चलिए आप लोगों को आगे लेकर चलते हैं, बताते हैं आपको। तो सबसे पहले आपको कॉलेज के बारे में सारा चीज़ आपको बता दें, डिटेल में डिस्कस कर लिए पूरा। चलिए आपको आगे बताते हैं, फिर आपका रैंकिंग आपको चलिए बताते हैं। NIF रैंकिंग आपका BIT सिंधरी का 251 है 2022 में, और अभी नेक्स्ट ईयर में आपको सुधरने वाला है क्योंकि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है। जैसा कि स्टार्टिंग में भी बताएं आपको कि यहाँ पे आपका 100 करोड़ रुपीज़ आपका फंड पास हुआ है BIT सिंधरी का इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। तो इस रैंकिंग में भी आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलने वाला है, ठीक है, नेक्स्ट ईयर। फिर चलिए आपको बताते हैं क्या क्या ब्रांचेज यहाँ पे ऑफर होता है BIT सिंधरी में BTEC के लिए। सबसे पहले आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग, फिर आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिर आपका इलेक्ट्रॉनिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मेटलर्जी इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्शन इंजीनियर। टोटल आपका 10 ब्रांचेस यहाँ पे ऑफर होता है BIT सिंधरी में, ठीक है। फिर ना चलिए आपको बताते हैं हाउ टू टेक एडमिशन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एडमिशन कैसे लें यहाँ पे BIT सिंधरी में। सबसे पहले आपको एडमिशन लेने के लिए JEE देना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग JEE जब दिए होंगे तो उसके हिसाब का कट ऑफ निकला होगा, आपका कट ऑफ निकला होगा, प्लस आप लोगों का रैंक निकला होगा, कैटेगरी वाइज रैंक निकला होगा, ठीक है, परसेंटाइल मिला होगा आप लोगों का। फिर आप लोगों का JEE काउंसलिंग होता है, ठीक है। JEE काउंसलिंग आप लोग फिल करेंगे जब रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो रजिस्ट्रेशन करने वाला आप लोग ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया से आप लोगों का ऑल ओवर झारखंड में एक CML निकलता है, ठीक है। तो जो ऑल ओवर झारखंड में जितने स्टूडेंट है, क्योंकि BIT सिंधरी के जो भी स्टूडेंट ले सकते हैं, क्योंकि झारखंड के स्टूडेंट ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों का झारखंड से अगर आप लोग बिलोंग करें तभी आप लोग BIT सिंधरी में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर दूसरे स्टेट के यहाँ पे एडमिशन नहीं ले सकते, ठीक है। तो जो भी ऑल ओवर झारखंड में जितने स्टूडेंट है उसके हिसाब से अलग CML निकलेगा आप लोगों का। और फिर CML निकलने के बाद आप लोगों का काउंसलिंग स्टार्ट होगा, उसके साथ प्रेफरेंस बाय ऑर्डर भरिएगा अपना, फिल कीजिएगा JEE काउंसलिंग में, और उसके फिर आप लोगों का अलॉटेड ब्रांचेज ऑफर होगा, जो भी आप लोगों का जितना आप लोग जिस हिसाब से जो भी रैंक आपका मिलेगा उस हिसाब से आपको ब्रांचेस मिलेगा, ठीक है। जैसे आप लोग प्रेफरेंस में भरे होंगे, ठीक है। इस टाइप से आपको JEE काउंसलिंग होता है, आप लोग इस पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कैसे भी पूछा सारा चीज़ आपको डिटेल में वीडियो में अपलोड कर देंगे, ठीक है। कुछ आपको डाउट नहीं करने का दिक्कत है, बस एक ही चीज़ करना आप लोगों का, आप लोग नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कुछ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिस ना हो, ठीक है। बस आगे सारा चीज़ आपको सारा चीज़ क्लियर कर देंगे, आगे जैसा भी जो भी प्रोसेस होगा सारा चीज़ आपको अपलोड कर देंगे वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट चलिए आप लोगों को बताते हैं फिर आपका JEE काउंसलिंग में आप लोगों का सारा चीज़ आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ता है, रजिस्टर करना पड़ता है। और होता कब है आप लोगों का, जब दूसरा काउंसलिंग जब होता है उसी समय आपका JEE काउंसलिंग भी होता है, ठीक है। फिर आप लोगों का जनरल कैटेगरी, चलिए आप लोगों का मेन बताते हैं जनरल कैटेगरी कट ऑफ कितना होने वाला है, ठीक है। जनरल कैटेगरी जैसे देखिए पिछले बार आप लोगों का जब बात करें तो पिछले बार आपका टोटल आपका 9 से 10 लाख स्टूडेंट ही अप्लाई किए थे, ठीक है। लेकिन इस बार जो स्टूडेंट है इस बार एप्लीकेशन बढ़ चुका है, ठीक है। 11 लाख टोटल आप लोगों को पता होगा कि एप्लीकेशन बढ़ा और 11 लाख तक स्टूडेंट लोग इसमें अप्लाई किया, ठीक है। तो जो भी आप लोगों का परसेंटाइल इस बार आप लोगों को रैंक थोड़ा डिफर देखने को मिला, क्योंकि अगर आप लोग प्रीवियस ईयर देखे होंगे तो 85% में जो आप लोगों का रैंक बनाता है 1,30,000-40,000 तक बनाता है, लेकिन इस बार आप लोग 85% में आप लोगों का जो रैंक बन रहा है वो आपका 1,50,000 से 1,60,000 तक आपका बन रहा है, मतलब आपका 10-15,000 स्टूडेंट में आपको डिफर देखने को मिला है। तो इस चलते आप लोगों को इस बार परसेंटाइल भी थोड़ा डिफर देखने को मिलेगा पिछले साल के मुताबिक इस साल का, ठीक है। तो ऐसा करके आप लोगों को चलिए बता दिए। फिर आपको चलिए आप लोग जनरल कैटेगरी बताते हैं। जनरल कैटेगरी आप लोग कंप्यूटर साइंस में आपको
और हम लोग कंप्यूटर साइंस में अगर आप लोग एडमिशन है तो कंप्यूटर साइंस के लिए आपको 95 से 96% अगर आप लोगों का आया होगा तभी आप लोगों को इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों का हो गया। फिर आईटी के लिए आपको 94 से 95% आपका आया तभी आप लोग इसमें आप लोगों को जनरल कैटेगरी में आपको आईटी ब्रांच मिलेगा। ठीक है, उसी प्रकार से आप लोगों को जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं अगर लास्टली अगर बीआरटी से अगर आप लोगों को लेना है तो आपको प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के लिए आपको 86% से 90% के बीच में होना चाहिए तभी आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा, आपको बीआरटी से आपको मिलेगा। नेक्स्ट चलिए आपको बात करते ओबीसी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी कंप्यूटर साइंस आपको 96% का बीच में मिलेगा और लास्टली आपको प्रोडक्शन आपका इंजीनियरिंग आपका 85 से 90% तक आपको मिलेगा। और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो भी आप लोगों को बता रहे जनरल कैटेगरी का ओबीसी कैटेगरी का ऐसा आप लोग स्क्रीनशॉट ले सके रख सकते हैं, जो भी आप लोगों का परसेंटाइल होगा उसके साथ आप लोगों का मैच कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं आपको एसटी कैटेगरी के लिए। तो एससी कैटेगरी का आप लोग कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आपको 82 से 90% के बीच में अगर आप लोग रहेंगे तो आपको एससी कैटेगरी में आप लोगों को कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। और लोएस्ट और लोएस्ट अगर आप लोग प्रोडक्शन इंजीनियरिंग भी आप लोगों को चाहिए तो आपको 68 से 70% का बीच में अगर आप लोगों का रैंक रहेगा तो आपको प्रोडक्शन इंजीनियरिंग आपको मिल जाएगा बीआईटी सिंह में आराम से। ठीक है, फिर अब चलिए आप लोग एसटी कैटेगरी अगर बताते हैं तो एसटी कैटेगरी और सीएसआईटी अगर आप लोग चाहिए तो आपको 80% से 90% के बीच में अगर आप लोगों का रहेगा तो आप लोगों को एसटी कैटेगरी मिल जाएगा। ठीक है, और आप लोगों को कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। फिर आप लोगों को अगर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग चाहिए होगा और आप लोग एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप लोग 35 से 40% भी अगर आप लोग लाए रहेंगे तो आप लोगों को एसटी कैटेगरी से आप लोगों को प्रोडक्शन इंजीनियरिंग आप लोग मिल जाएगा बीआईटी सिंधी में। तो इस टाइप से आप लोग सारी चीज़ बताते हैं, इसके शॉर्ट लेकर रख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं। बाकी इस पर कुछ भी अगर आप लोगों को डाउट है इस बेसिस पे आप लोगों का एनालिसिस पे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, रीच आउट कर सकते हैं और हम लोगों का डाउट आप लोग क्लियर कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आप लोग बताते हैं फीस स्ट्रक्चर। तो फीस स्ट्रक्चर बीआईटी सिंधी में बहुत ही कम देखने को मिलेगा, जैसे कि पहले बताया आपको या गवर्नमेंट कॉलेज है तो फीस आपको ऐसे भी आपको कम देखने को मिलेगा। और ट्यूशन फीस आपका 7,732 रुपीज़, एग्जामिनेशन फीस आपका 2,000 रुपीज़, ये आप लोगों का पर सेमेस्टर आप लोगों का लगता है। तो आप लोग जब एग्जाम देंगे जब एंड सेमेस्टर तो आप लोगों को 2,000 रुपीज़ आप लग रहा। एनुअल फीस आपका 7,550 रुपीज़ लगता है आपका, और टोटल आप लोगों को जब काउंट करेंगे तो 17,332 रुपीज़ लगेगा आपका। और आप लोग अगर हॉस्टल फीस के बारे में बात करें तो हॉस्टल फीस आपका पर ईयर 7,500 रुपीज़ लगेगा, इलेक्ट्रिक फीस आपका 2,500 रुपीज़ लगेगा, और मेस चार्ज आपका 48,000 पर ईयर, मतलब आप लोगों को 4,000 पर मंथ आप लोग लगेगा। तो टोटल कैलकुलेट करते हैं तो 48,000 लगेगा। इसमें आप लोगों को एक दो महीना छुट्टी रहेगा तो आप लोग माइनस कर सकते हैं उसके हिसाब से। तो अगर ओवरऑल आप कैलकुलेट करते हैं 70,000 से लेके 58,000 तक कैलकुलेट करते हैं टोटल आपके 80,000 तक आप लोगों का एक्सपेंसेस है पर ईयर आपका बीआईटी सिंधरी में। और फीस आपका ट्यूशन फीस वेवियर आपका 100% माफ आप लोगों का गर्ल्स स्टूडेंट के लिए। आप लोग ट्यूशन फीस जो लग रहा है ना टोटल आपका 7,732 रुपीज़, अगर आप लोग गर्ल्स स्टूडेंट है तो गर्ल्स स्टूडेंट के लिए आप लोगों का टोटल फीस माफ हो जाता है और ओनली 32 रुपीज़ ही लगता है यहाँ पे, सिर्फ ओनली 32 रुपीज़ लगता है। और ट्यूशन फीस 75% ट्यूशन फी वेवियर आप लोगों का एससी एसटी का डिग्री के लिए 75% आपका माफ हो जाएगा 77,732 रुपीज़ में से। नेक्स्ट चलिए आप लोगों को बात करते हैं रिसेंट प्लेसमेंट लिस्ट में। तो प्लेसमेंट लिस्ट बहुत ही अच्छा हुआ, पिछले साल ही अच्छा हुआ था प्लेसमेंट, और देख सकते हैं आप लोगों का 44 लाख रुपीज़ आपका पर एनम आप लगा लगा था 3 स्टूडेंट का अमेजोन में। ठीक है, प्लस आपको 28 लाख पर एनम का ऑफर हुआ था एक स्टूडेंट को गूगल में, 14,500 रुपीज़ लगा था आपका 11 स्टूडेंट का आपका सैमसंग में, उसे टाटा स्टील डिलोइट कॉग्निजेंट आईते बिरला ग्रुप लार्सन टर्बो सब चीज़ में अच्छा सा खासा प्लेसमेंट हुआ था पिछले साल भी। और इस साल अगर आप लोग कंपेयर करते तो ऑनेस्ट बताते हैं आप लोग इस बार आपका कोर ब्रांचेस का बहुत अच्छा प्लेसमेंट हुआ है टॉप ब्रांचेस के हिसाब से। इसलिए अगर आप लोग अगर परसेंटाइल अगर आप लोगों का लो है तो आप लोग टेंशन मत लीजिए कि अगर आप लोगों का परसेंटाइल लो है तो आप लोगों को अच्छा ब्रांच नहीं मिलेगा। और आप लोगों को यहाँ पे लो ब्रांच भी मिल रहा है, मतलब आप लोगों को माइनिंग प्रोडक्शन मटेरियल सब भी ब्रांच अगर आप लोगों को मिला तो आप लोग टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप लोगों का प्लेसमेंट अच्छा होने वाला है अगर आप लोग 4 साल पूरा अच्छे से मेहनत करते हैं तो। प्लस इसमें आप लोग गेट का तैयारी भी कर सकते हैं यहाँ पे बीआईटी सिंधरी में आके, अच्छा खासा आप लोगों को टाइम मिलता है यहाँ पे कॉलेज के बाद आप लोगों को अच्छा टाइम मिलेगा, आप लोग सेल्फ स्टडी करके गेट भी क्वालिफाई कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट लोग गेट क्वालिफाई किए इस बार भी, अच्छा रैंक लेके आए हैं ऑल ओवर, आप लोग 100 रैंक लेके आए अंदर 100 रैंक के अंदर लेके ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा स्टूडेंट सब पार्टिसिपेट करते हैं, गेट एग्जाम देते हैं। अगर आप लोग कुछ भी अगर गाइडेंस चाहिए होगा तो अपने सीए गाइडेंस भी ले सकते हैं इस रिगार्डिंग। तो अगर आप लोग इंटरेस्ट हो गेट क्वालिफाई करने वालों पर इंटरेस्ट होगा तो आप लोग अच्छा से प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, और आप लोग गेट क्वालिफाई कर सकते हैं, प्लस आप लोगों का आप लोग जब बोला माइनिंग मिलेगा या आप लोगों को मेटल मिलेगा तो उसमें आप लोगों का ज़्यादा चांसेस रहता है कि आप लोग गवर्नमेंट नौकरी लग जाए, क्योंकि आप लोग जब गेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो बहुत सारे गवर्नमेंट नौकरी को आप लोग ऑफर कर सकता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट नौकरी में आप लोग भर सकते हैं और आप लोग अच्छा रैंक कराएगा अगर आप लोग गेट में तो उस टाइप से आप लोग भर सकते हैं। तो लोअर ब्रांचेस के लिए अच्छा प्लेसमेंट है, अच्छा स्कोप है बीआईटी सिंधी में, तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं अगर आप लोगों का लो परसेंटाइल आया तो। ठीक है, ये चीज़ आपको बता दिए। नेक्स्ट आपको पास सिक्योरिटर्स चलिए बताए थे, आईटी बिरला ग्रुप बायजू सेंट कॉम्बिन टाटा स्टील टाटा पावर ये सब चीज़ आपका पास सिक्योरिटर्स आपका देख सकते हैं आप लोग व्यू कर सकते हैं ये सब आप लोगों का पास सिक्योरिटर्स टोटल कंपनी आपका बीआईटी सिंधी में आता है प्लेसमेंट के लिए। ठीक है, और प्लेसमेंट आपका थर्ड ईयर से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, थर्ड ईयर का जब आप लोग लास्ट होते रहते स्टार्ट हो जाता है प्लेसमेंट, तो
हिसाब से आप लोग अपना मेहनत करिएगा यहाँ पे बीआरटी सिंधरी में आके, ठीक है। तो सब सारा चीज़ आपको बता दिए, सारा चीज़ आपको प्लेसमेंट से लेकर कट ऑफ से लेकर फीस स्ट्रक्चर सारा चीज़ बता दिए। अगर आप सारा चीज़ आपको क्लियर होगी, अगर आप लोग पूरा अच्छे से वीडियो देखेंगे स्टार्टिंग से एंड तक, तो अगर आप लोग कुछ भी अगर आप डाउट होगा तभी भी तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप लोग सारा चीज़ आपको कमेंट दूर कर देंगे। बाकी हम रीच आउट कर सकते हैं, मेरे को इंस्टाग्राम का लिंक भी दे देंगे, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे को वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, सारा चीज़ आपका डाउट क्लियर कर देंगे। तो आई होप सारा चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा बीआरटी सिंधरी के बारे में, पूरा कॉलेज को डिटेल में डिस्कस कर दिया आप लोगों को। बाकी नेक्स्ट वीडियो जो भी आगे जैसे भी काउंसलिंग का आगे कुछ भी अगर आप लोग नोटिफिकेशन आता हो तो आप लोग सबसे पहले हम वीडियो में अपलोड करेंगे। तो बस आप लोग एक ही काम करना, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना चैनल को मेरे को, और आप लोगों को सारा चीज़ आपको अपडेट मिलते रहेगा। आप लोग ना लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जो कुछ भी आपको अपडेट मिस ना हो। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।